दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी वुड लव टू आस्क यू कि सर जी बता दो हाउ डिड यू स्टार्टेड योर एंटायर प्रिपरेशन हाउ डिड यू नेल इट सो वी स्टार्ट फ्रॉम अ बेसिक लेवल क्या क्या किया था यू विल गो अहेड आई विल सॉर्ट ऑफ यू नो मेक नोट्स एंड यू नो दिस इज व्हाट वी विल शेयर विद द किड्स ओके चलो ऑल योर्स केवल यार Okay, so as we are just 1 month away from the D-Day, so like I would not say any like motivating or those kind of stuff. I would be like to be as honest as with you. So right. Let's say, so we have two kinds of people here. Like the people who have started their prep maybe 1 month ago or something. And the people who had started their preparation in June, July, or let's say they are preparing for at least 3 months. Hmm. तो नॉर्मली क्या होता है द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 3 months और समथिंग उनका ये हो जाता है कि मतलब 3 महीने मतलब 2-3 महीने तक प्रिपरेशन चल रही है एंड नाउ फटीग हो जाता है लाइक इन द अक्टूबर मंथ इज नॉर्मली आई हैव सीन मैनी पीपल लाइक मैनी ऑफ द जूनियर्स आर स्टिल टेक्सटिंग मी लाइक दे आर गेटिंग लेस स्कोर्स इन द अक्टूबर मंथ बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सो लॉन्ग एंड अब फाइनली डी डे आ रहा है एंड नॉर्मली हो जाता है कि अब गिव अप करने का चांसेस सो दिस इज द मंथ यू हैव टू कीप योर मोटिवेशन अप होगा कभी कभी एक दो मार्क्स में होगा लाइक 20% आ जाएगा इवन 10 चला जाएगा या फिर नेगेटिव में भी स्कोर्स जाएंगे बट यू हैव टू कीप योर मोटिवेशन अप मे बी यू कैन टेक अ ब्रेक लाइक वन डे डू सम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज लाइक वॉट एवर यू लाइक स्पेंड सम टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली बट then you have to gear up like see so all the things are just for the like you have to analyze your mocks so analyze your mocks identify some weaker areas now this is the time to not do everything this is the time to refine your prep so whatever things you have the problem whichever is your weaker sections just focus on them identify which sections are your stronger ones and which are your weaker ones then you can focus more on your weaker areas. And okay, but you know what? Kevil, yaar, main problem यहाँ पे ये है ना कि जब 20% आ जाता है, तो सब सपने चूर चूर हो जाते हैं. मतलब ऐसा लगता है कि भाई अभी गया, अभी सीधा अगले साल. So how you tackle yourself? Like तुम्हारा mind frame क्या था उस time पे? How did you motivate yourself? And वो step by step तुम आगे कैसे गए? Like what was that delta? 20 से 90, 90 से 99, छोड़ दूं या फिर आगे बढ़ू लाइक आपसे भी बात की थी कि अब क्या करूं अब नहीं हो रहा है क्या करूं सो टॉक विद समवन मोस्टली द पर्सन हु हैज गॉन थ्रू दिस फेस ही कैन गाइड यू लाइक अब आगे क्या करना है एंड आई बिलीव इफ योर स्कोर्स वर कंसिस्टेंट और इफ दिस इज अ वन टाइमर थिंग तो यू विल ऑटोमेटिकली ओवरकम ऑल्सो वन थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज कि अब दिवाली आ रही है तो उसका भी थोड़ा मतलब देख लेना लाइक आई रिमेम्बर आई डिड नॉट ऑनेस्टली आई विल टेल आई डिड नॉट एंजॉय एनी दिवाली मतलब उस टाइम पे मैं पढ़ रहा था हसल तो करना जरूरी है राइट ओके सो गाइस कपल ऑफ थिंग्स इफ यू गेट 20% और इफ यू गेट 70% 80% केवल आई गॉट ओनली इन वन मॉक बट आई थिंक ही वाज ब्रेव इनफ टू काइंड ऑफ यू नो बकल हिमसेल्फ अप एंड यू नो गो अहेड एंड डू वेरी वेल बट अगर तुम्हारा ऐसा हो जाता है लाइक 70s 80% अगर तुम्हारा आ जाता है मेरे ख्याल से एज अ मेंटर आई विल टेल यू दैट यू नो डोंट इवन वरी अबाउट इट बिकॉज केवल आई थिंक द प्रॉब्लम व्हाट हैपेंस नो नाउ यू एंड आई वी आर बोथ एट द अदर पार्ट ऑफ द टेबल प्रॉब्लम ये होता है कि पीपल ट्राई टू जज देयर मॉक स्कोर का परफॉर्मेंस विद द कैट का परफॉर्मेंस विच इज नॉट अ रियलिटी एंड ये तुम तभी समझोगे गाइस जब तुम कैट देके बाहर जब आओगे ना जब इस साइड आओगे ना तुम अगले साल तभी तुम समझोगे कि भाई मॉक का स्कोर और कैट का स्कोर हैज नथिंग टू डू विद ईच अदर तो वो एक्सपेक्टेशन का जो सेटिंग हो जाता है ना बेंचमार्किंग वो थोड़ा गलत हो जाता है तो मेरे ख्याल से अगर वन ऑफ होगा तो जस्ट इग्नोर इट 3-4 बार भी होगा तो इग्नोर इट बट हाँ अगर आपको मान लो 10-12 मॉक में अगर 20% है या 30% आ रहा है देन इट इज अ कंसर्न फॉर यू टू बी वेरी ऑनेस्ट सो नाउ लेट्स जस्ट से इफ दे वांट टू इंप्रूव राइट फ्रॉम 20 टू लेट्स से और व्हाटएवर लाइक मे बी 80 टू 99 और लेट्स से व्हाटएवर 90 95 राइट व्हेन यू आइडेंटिफाई द वीक एरियाज
what they should be doing about those weak areas. Should they revise mocks? या फिर should they go ahead and give more mocks? या फिर एक passive mock करे? या फिर break ले? What would you suggest? Okay. So if they have already identified the weak areas, so they can do a passive mock for that areas. ऑल्सो मतलब जो भी वीक एरियाज है मे बी उन्होंने अगर प्रेपरेशन टाइम के कोई नोट्स या ऐसा कुछ बनाए थे या फिर कुछ फॉर्मूला बुक और सम शॉर्टकट बुक और समथिंग देन दे कैन फॉलो दैट. अगर वीक एरियाज नहीं मिल रहे तो इट्स अ प्रॉब्लम. फिर मॉक्स देते जाओ एंड होप कि स्पोर्ट्स विल ओवरकम. बट आई विल सजेस्ट दैट फाइंड वीकर एरियाज. Okay, how many mocks we are looking at now? Everybody is towards the end of the October and Diwali is coming in the first week. How many mocks generally dena chahiye un bachchon ne jinka score shoot up nahi ho raha hai 90 ke upar, ya fir because main alag session mein baat karunga. After some time we'll talk about 95 99 wala bachcha log, but I will start from the bottom level jahan pe hum 80 85 wale bachchon ko dekh rahe hai jinka score shoot up nahi ho raha hai. How many mocks they should be और बाकी का टाइम यू हैव टू गिव ऑन योर पैसिव मॉक्स और समथिंग टू फोकस ऑन योर वीकर एरियाज. सो योर आइडियल स्ट्रेटेजी शुड बी सम 60% ऑफ योर टोटल टाइम टू वीकर एरियाज एंड सम 40% ऑफ योर टोटल टाइम टू द मॉक्स. एंड आफ्टर 15th नवंबर दिस इज फॉर एवरीवन, नॉट ओनली वीकर स्टूडेंट्स और दिस इज फॉर एवरीवन फॉर टॉपर्स एज वेल. दैट आफ्टर 15th और 20th नवंबर स्लो हो जाना. लाइक उसके बाद सिर्फ एक या दो मॉक्स देना, और अगर किसी मॉक में अच्छा स्कोर आ जाता है तो फिर उसकी उसी पॉइंट पे छोड़ देना. लाइक ऑलवेज लिव एट द बेस्ट पॉइंट. मतलब मेरा भी इवन आई वाज एट द सेम पोजीशन. सो इन माय लास्ट मॉक जस्ट बिफोर द 4 days ऑफ द कैट मेरा हाईएस्ट स्कोर था लाइक ऑफ ऑल द मॉक्स. इट वाज सम 99.5 और समथिंग. मेरा 99.5 से कभी ऊपर नहीं गया. सो एट दैट आई वाज वेरी हैप्पी कि हाँ अब हो गया सारी चीजें. लाइक आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट. So at that moment I left. मतलब उसके बाद कोई mock नहीं. I just enjoyed some watching some movies, Netflix and all. So it उसके बाद सब chill था. Okay. Fine. Let's say those who are getting very low score, 80-85 या फिर whatever 90% What probably is going wrong for these kids? पढ़ाई हुआ है, revision हुआ है, चीजें आती है, समझ में भी आता है. वही वही चीजें गलतियां बार बार हो रही है. What you could think of that what these guys are doing wrong? अगर पढ़ाई हुई है तो maybe they are not having test strategies. So one of the biggest problem can be accuracy. हाँ. Okay. Second problem can be problem choosing strategy. मतलब कुछ गलत problems उठा रहे हैं. या तो फिर मतलब दे आर नॉट एनालाइजिंग द मॉक. सो मॉक पर मॉक इम्प्रूवमेंट देयर शुड बी एन इम्प्रूवमेंट. मतलब जो आपने गलतियां की है उनसे इम्प्रूव करो. बट व्हाट पूछ लेते इनको कि तुम कितने लोग यहाँ पे मॉक एनालाइज करते हैं बकायदा वाइज. मतलब बैठ के केवल 9 घंटा करता था मॉक. मतलब ही इज अनदर लेवल ऑल टुगेदर. हाउ मेनी ऑफ यू एनालाइज मॉक एंड टेल मी एन एवरेज टाइम ऑफ एनालाइजिंग द मॉक. Okay, 5 hours, 4 to 5 hours, 5 to 6 hours. Okay. ठीक है, क्या वेल लगूँ है? Okay, so I assume so average is around 4 to 6 hours. So I assume कि ठीक है, 4 to 6 hours is enough. Okay, ठीक है, fair enough. So what we understand broadly, तुम्हारा strategy बहुत important है, तुम्हारी accuracy अच्छी होनी चाहिए, और तुम्हारी question selection strategy होनी चाहिए. केवल या एक question में तुझे पूछूंगा यार. मैं ऑलवेज पूछता हूँ, मैंने प्रांशु को भी पूछा था. मैं ऑलवेज इंजीनियर्स को ये टिपिकल क्वेश्चन में पूछता हूँ. यू कैन कनेक्ट मी विथ वेरी वेल बिकॉज यू हैव हर्ड मी, यू हैव यू नो लर्न दिस थिंग्स. अभी फंडा क्या है ना, अभी फंडा ये है बच्चों का कि प्रिपेयर करो, मॉक में बैठो और टक 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 जितना क्वेश्चन मारना है उतना मारो, बात खत्म. बिकॉज एक अगर मैं नॉर्मल एक फंडा बताऊं मार्केट में जो तुझे भी कहा होगा आई एम वेरी श्योर, increase your attempt is what we've been told most of the time to increase the score in the mock, right? So I want you to tell kids thoda bahut ki yaar
ये अटेम्प्ट आप कब इंक्रीज करना चाहिए, या फिर आप अटेम्प्ट को मत देखो थोड़ा सा, बिकॉज अभी फॉर्मेट चेंज हो गया है। लास्ट ईयर अपने पास 76 तक अवेलेबल है, इस बार मुझे लगता है 66-68 आएगा, राइट? तो what do you want to suggest them? कि आप अटेम्प्ट पे फोकस ज्यादा करो, या मेक इट अ पॉइंट दैट आप अपनी स्ट्रैटेजी पे थोड़ा फोकस करो, आप एक्यूरेसी पे खेलना चालू करो, क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वॉट यू वुड चूज, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों का इंजीनियर नॉन इंजीनियर का फंडा यही है मार्केट में। वॉट इज योर एडवाइस टू टू दिस किड्स? ओके ओके, सो लाइक नॉर्मली चीजें क्या होती है, दिस इज नॉट योर डी डे, नॉर्मली पीपल कंसिडर इट एज जस्ट मॉक, द स्टेक्स आर नॉट दैट हाई, तो फिर ये लोग क्या करते हैं कि लेट्स चलो तुक्का में लगाते हैं कि अच्छा आता है कि नहीं आता है, सो दे चेंज योर स्ट्रेटेजी। ऑल्सो जब आप मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन करते हो, लाइक यू गो फॉर विथ लेस नंबर ऑफ स्पीड और समथिंग, लेस नंबर ऑफ एक्यूरेसी, तो लेट्स से तुमने एक क्वेश्चन पे 2 मिनट लगाना चाहिए था टू सॉल्व द एक्चुअल क्वेश्चन टू अराइव एट द फाइनल आंसर, बट तुमने क्या किया कि 1.5 मिनट लगाया, अज्यूम कर लिया कि ओके दिस इज द नियर बाय आंसर एंड यू टिक्ड इट। अब तुम्हारा जब गलत होता है तो तुम क्या सोचते हो कि मेरे जस्ट थोड़ा नेगेटिव होगा, बट तुम वो टाइम अपॉर्चुनिटी यू आर नॉट कंसिडरिंग, यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड योर 1.5 मिनट, अगर थोड़ा टाइम ज्यादा दे देते सो यू वुड हैव एक्चुअली सॉल्व्ड इट विद 100% एक्यूरेसी। और जब भी नेगेटिव जाता है तो इट इज नॉट -3, इट इज एक्चुअली -4, हमेशा इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह कंसिडर करना चाहिए। Yes, that's right. Guys, I hope you're understanding what we are trying to tell you.